अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अब उनकी कृपा और आशीर्वाद उनके सेवकों पर भी बरसने लगा है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने हाल ही में एक खुशखबरी दी। उन्होंने मंदिर में सेवा कर रहे पुजारियों, सेवादारों, भंडारी और कोठारी की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। तब से लेकर अब तक कुल 7 महीनों का समय बीत चुका है। इस दौरान हर रोज करीबन 1,00,000 से ज्यादा राम भक्त दर्शन और पूजन के लिए अयोध्या राम मंदिर पहुँचे हैं। अब इन 7 महीनों में राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में तैनात सभी कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। आप सोच रहे होंगे कि सैलरी में कितने रुपए बढ़े हैं, तो आपको ये भी बता देते हैं। इसकी पूरी जानकारी हमें राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास जी ने दी है। उन्होंने लोकल 18 को बताया कि ट्रस्ट ने पुजारियों और सेवादारों की सैलरी में वृद्धि की है। अब मुख्य पुजारी का वेतन 35,000 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह सहायक पुजारी का वेतन 33,000 रुपए से बढ़ाकर 36,300 रुपए कर दिया गया है। वेतन लाभ से हिसाब से बढ़ा दिया, 3,500 रुपए हमारा बढ़ा है। इससे हमारे सहायक पुजारियों को बढ़ाया है और जितने कर्मचारी रहे उनके सबके पुराने जितने रहे सबको बढ़ा दिया। नए पुजारियों का भी समय दिया है, अब उनको छुट्टी दिया गया है, आएंगे तो उनका भी व्यवस्था किया जाएगा। कितना हमारा तनख्वाह तो 1 रुपया से 100 रुपया शुरू हुआ था। जब हम पुजारी हुए थे 1 मार्च 92 को, तो 100 रुपया हमको मिलता था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते 12,000 रुपया हमारा हुआ था जब ट्रस्ट को मिला। फिर ट्रस्ट ने पहले 15,000, फिर 25,000 किया और फिर 35,000 किया और इस वर्तमान समय में 38,500 है हमारा वेतन। इसके अलावा कोठारी और भंडारी की सैलरी भी बढ़ाई गई है। इस वृद्धि के बाद मंदिर के सभी सेवादार खुश हैं। वहीं आचार्य सतेंद्र दास ने ट्रस्ट के इस फैसले को सराहा और कहा कि इससे न केवल उनके जीवन में सुधार होगा बल्कि उनकी सेवा की भावना भी और ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने भविष्य में पुजारियों और सेवादारों के लिए और भी बेहतर सुविधाओं की योजना बनाई है ताकि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुख सुविधा का फायदा मिल सके। आज का ये अपडेट अयोध्या राम मंदिर के लिए था। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।